तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि आज की टॉपिक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब कि प्लस माइनस तरह इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है उसको एक्सेल में कैसे परफॉर्म किया जाए, ये आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए वन में क्वार्टर वन है, ए टू में क्वार्टर टू है, 20 सेल है यहाँ पे, 30 सेल है, मुझे इसका ग्रोथ पता करना है। हालांकि इसको एक्सेल से किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वीवीए में हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और वेरिएबल का क्या यूज है, राइट? तो इसकी कैलकुलेशन ग्रोथ निकालनी है, तो मैंने एक मॉड्यूल ऐड किया। अब देखिए विदाउट वीवीए हम कैसे करेंगे और विदाउट वेरिएबल हम कैसे करेंगे और विद वेरिएबल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ लेते हैं रेंज C1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज C2 माइनस B2 डॉट वैल्यू माइनस रेंज A2 डॉट वैल्यू डिवाइड बाई रेंज ए डॉट वैल्यू, जबकि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, इसको ब्रैकेट में रखना होगा। सर, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ अभी आई। आपने क्या कहा वो ब्रैकेट में रखने क्या पड़ेगा सर जी? ब्रैकेट में ही रखा है कि माइनस के लिए लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में रखा। ये तो विदाउट वीवी। अब सोचिए कि अभी सिंपल ए वन था, लेकिन मान लीजिए कि मुझे सीट का भी रेफरेंस देना हो, कोई सीट वन का ए वन, तो इसके आगे जितने भी रेंज लगे हैं सबके आगे मुझे सीट वन या सीट्स करके देना होगा, सीट्स सीट वन सब में देना होगा। जी यहां भी देना होगा, यहां जहां जहां रेंज है सब जगह देना पड़ेगा। अब इसके आगे वर्कबुक का भी नाम होगा, तो कितना लंबा कोड हो जाएगा सर? सर मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आपने शीट्स वन दी है, फिर शीट्स वन पे जब सब जगह दे रहे हो, तो अगर शीट्स वन के हम लोग ऊपर एक लिख दे कि एक्टिवेट शीट वन, उसके बाद में सारा कैलकुलेशन तो नहीं होगा सर जी? हाँ होगा, लेकिन फिर उस सीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर ऊपर एक खाली एक हर सीट, हर सिचुएशन में हम सीट एक्टिवेट नहीं कर सकते ना। लेकिन ये सारा का सारा अब काम तो बताइए, सर आप माइक्रो में बना लोगे, कल के डेट में आपको फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन में कैसे करोगे? फॉर्मूला वी लुकअप एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूला बुझ गया ना, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है कि डबल क्लिक होने पे मेरा एक काम है, मुझे एक कैलकुलेशन हो जाए, और डबल क्लिक करोगे तो सीट वन पे जाएगा फिर वो ना। तो हर सिचुएशन में मैं एक्टिव सीट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट रेफरेंस की लेना होता है हमें। अब इसी को वेरिएबल के जरिए कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे करेंगे डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे सेम कास्ट के दो वेरिएबल एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग कास्ट के भी, अब इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं कि मैं डिम जैसे यहाँ पे कर दूं कि डिम क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग भी कर सकता हूँ, अलग अलग लाइन भी कर सकता हूँ, करता है कि आप एक लाइन में लिख दें या दो लाइन में लिख दें। फिर डिम जी आर एज ए डबल, हमने डबल क्यों लिया, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, माइनस करके डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालना है, तो जाहिर सी बात है जब भी डिवाइड होगा तो डेसिमल में आने की चांसेस है, और डेसिमल यहाँ डबल देता है। लॉन्ग को भी डबल किया जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो सेल होगा वो
होगा, होल नंबर होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कि होल नंबर नहीं है तो यू कैन यू ऑल्सो डबल है। यहां पे क्वार्टर वन इक्वल टू सीट सीट्स वन क्वार्टर वन होगा और यहां पे क्वार्टर वन, यहां पे क्वार्टर टू और यहां पे बी टू हो जाएगा। अब यहां पे हम करेंगे जी आर ब्रैकेट क्वार्टर वन माइनस क्वार्टर टू ओल्डेस्ट माइनस लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट होता था, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन। और फिर लास्ट में हम करेंगे देखिए अब इस कोड को देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था जी। कोड सिंपल है, अब बोलेंगे सर ये तो चलो एक मतलब एक लाइन में था, ये तो कई लाइन हो गया। तो यहां पे एक चीज बात करने वाली बात है कि कोड आपने अभी बना दिया एक काफी बड़ी बात नहीं जी, महीने साल दो साल बाद उस कोड को आपको अपडेट भी करना पड़ सकता है। तो अगर छह महीने बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखेंगे, छह महीने बाद आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या कोड लिखा था, कहां कहां क्या कोड लिखा था। ये तो एक लाइन है तो चलो ठीक है, इसी तरह का अगर 10 15 20 50 लाइन होगा तो बहुत ज्यादा सर घूम जाएगा ना सर। हाँ जी, तो इसलिए हम सिंपलाइज करके लगाते हैं, जैसे ये सिंपलाइज है। अब चलिए अगला एग्जांपल हम बताते हैं आपको। अगला एग्जांपल में हमारे पास प्रिंसिपल है, डेट है, प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट मान लीजिए 2%, टाइम है 3 ईयर। मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है, इसके लिए एक्सेल का फॉर्मूला तो है लेकिन मैं एक्सेल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहता, मैथमेटिकल फॉर्मूला करना चाहता हूँ वीवीए के साथ। अब इसमें आप देखिए ये आपका लॉन्ग है, ये आपका डेसिमल है, इसको आप बाइट कर सकते हैं क्योंकि ईयर जो है 256 साल से ज्यादा थोड़ी होगा जी, क्या और ईयर में पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिम, यहाँ एक चीज और देखिए, जैसे मैंने बोला कि पी एज ए लॉन्ग R ए डबल, एक लाइन में भी किया जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कमा देना जरूरी है सही है ना, कमा देना जरूरी है। P इक्वल टू हम यहां देते हैं रेंज, तो शेड टू बढ़ाना पड़ेगा ना, सीट नाम भी दे सकते हैं कोई बात नहीं, तो आपने आप देख लीजिएगा E2 ऐसे ही R इक्वल टू रेंज E2 डॉट वैल्यू, ऊपर वाले B1 होगा इक्वल टू इन
यहाँ आपका डिफाइन ही नहीं किया ना ए एज ए डबल यहां पे आएगा ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय 12 मंथली कन्वर्ट किया हमने पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 12 और ए आर डिवाइड बाय जो है इसको बैकेट में रख दीजिए। ये हमारा मैथमेटिकल है पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई एन मैथमेटिक्स कहता है इंटरेस्ट विद अमाउंट निकालने का। देन रेंज फोर बी फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा समझे। आप बोलेंगे सर यहां पे हम डायरेक्ट जो है ये बी फोर डॉट वैल्यू है इसको डायरेक्ट हम यहां लिख सकते थे ना क्या जी। इसमें दो दो प्रॉब्लम है, एक जो लंबा कोड होगा जैसे सीट में फाइल में और भी बहुत सारे जो लेते हैं एंड ऑफ एक्सेल डाउन वगैरह डायनेमिक रेंज होता है उसमें दिक्कत होगा। दूसरा अब जैसे कि ये जो रिजल्ट देगा अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ डेसिमल में दिया, इसको राउंड फिगर करना है, यहाँ पे आपको राउंड का फॉर्मूला लगाना है, उससे अच्छा है कि आप डबल को लॉन्ग कर दें एक कन्वर्ट हो जाएगा, तो राउंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पड़ेगा सर जी। तो वेरिएबल का इस्तेमाल हम इस दो कन्वर्ट दो चीज दो तीन चीजों के लिए करते हैं। पहला चीज होता है हमारा वो होता है सिंपलाइज, जो आपने देखा सिंपलाइज हमने किया जी। दूसरा हमारा होता है कन्वर्टेड, जो हमने कन्वर्ट किया देखा ना सर आपने, तुम्हें लॉन्ग के लिए राउंड लगाने की जरूरत भी है ऑटोमेटिक हो क्योंकि रॉन्ग लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो डेसिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको जी सर? आपको क्लियर हुआ सर? तो अब जैसे दो तीन एग्जांपल तो मैंने बताया, अब मुझे आप जो है करीबन पांच मैथमेटिकल एग्जांपल वीवीए में करके बताइए ठीक है, और उसमें आप वेरिएबल का इस्तेमाल करें। गांधी जी कैसा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तो अभी कीजिए और अभी करके मुझे भेजिए ठीक है। कल 9 बजे मिलते हैं। अच्छा हेलो सर जी। हाँ जी जी, मुझे ना आपसे एक डाउट के बारे में पूछने का था। असल में ये इस माइक्रो से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक्सेल में, अगर मेरे पास एक्सेल में दो तरह का डेट फॉर्मेट है जिसमें दोनों में टाइम लिखा हुआ है तो उसका डिबीज का डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा सर जी? अच्छा मतलब कि आप क्या बोल रहे हो? मतलब मेरा दो सेल है, एक ई है और एक एफ है। ई में मेरे को डेट लिखा हुआ है मंथ डे ईयर स्पेस टाइम, मंथ डे ईयर स्पेस टाइम जी, और एफ में लिखा हुआ है डे मंथ ईयर स्पेस टाइम। टाइप किया हुआ है या लिखा पहले से लिखा हुआ है? फॉर्मेट है फॉर्मेट में ऐसा, मतलब असल में मैंने जो ये एक बड़ा सा रिमार्क है उस रिमार्क में से एक्सट्रैक्ट किया ना, तो ये दो तरह के फॉर्मेट में आया हुआ है। एक तो आपने लिख दिए, दूसरा वाला जो आया ना वो इस तरह के फॉर्मेट है, देखा 9th of November लिखा 9-NOV-2020। देखिए देखिए सिंपल सा है कि डेट क्या करता है, जैसे दो
दो डेट एंड टाइम है, तो आपको अगर इसका डिफरेंस चाहिए तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम कर दीजिए। हाँ सर, ये तो फिर नॉर्मली आ जाएगा सर, लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मेट है जो आपने एफ वाले सेल में एंटर की हो, इसमें फॉर्मेट जो है ना वो है डे मंथ ईयर, तो तो इसमें कुछ फॉर्मेट से मतलब नहीं होता है, डेट अगर डेट में है तो फॉर्मेट डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मैंने जो निकाला तो उसमें नहीं आ रहा था सर जी, क्या आ रहा था, डेसिमल आ रहा था, एरर आ रहा था? एरर दिखा रहा है सर जी, क्योंकि वो हाँ फॉर्मेट अलग तो हो तब गया। दिक्कत है। तब दिक्कत क्या है कि जो डेट फॉर्मेट डाला है वो आपका कंसीडर नहीं किया हुआ है। तो दोनों को एक ही क्या फॉर्मेट में करना कीजिए पड़ेगा। उस केस में, क्या कीजिए कि अपने जो डॉक्यूमेंट कॉलम इसमें फॉर्मेट अलग है जिसको टेक्स्ट समझ रहा है उसको हाँ सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, नेक्स्ट जी कीजिए, सॉरी यहाँ पे डिलिमिटेड सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट जी कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे DMY होगा बाय डिफॉल्ट, इसको MDY कीजिए और फिनिश कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। अच्छा, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। जी अच्छा, तो ठीक मतलब है, इसको तो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मतलब जैसे कि मेरे नहीं पास एक फॉर्मेट में तो मैं उसमें दूसरे वाले का मंथ निकालू, डे निकालू, या निकालू फिर कॉन्केटनेट करके उसको। नहीं जी वो तो निकलेगा भी नहीं क्योंकि वो टेक्स्ट है ना, डेट है ही नहीं। जी अच्छा, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ उसको ना। जी ठीक है सर जी, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर जी। थैंक ठीक है। यू सर जी।